क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 2, 4, 8, 16, 32। एक सीक्वेंस ये गिवन है और एक सीक्वेंस ये गिवन है। इन्होंने बोला क्या है वो सुनो, इन्होंने बोला भाई सम निकालना है आपको, यानी ऐसा निकालना है, और बोला प्रोडक्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स। देखो ये कॉरस्पॉन्डिंग टर्म का प्रोडक्ट कैसे होगा, समझो मेरी बात। तो मैंने कहा एक आप बना के तैयार कराओ एक कॉरस्पॉन्डिंग सम, देखो कैसे बनेगा। मैंने बोला कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट निकालते हैं पहले, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट निकाला मैंने बॉस, कैसे निकलेगा, पहले वाले को पहले से इंटू, तो कितना आएगा 256, क्योंकि 120 को 2 से इंटू करेंगे तो नहीं आएगा, कॉमा 4 को इंटू करो अगले वाले से कितना आएगा दोस्त, 4 दो 8 4 दिया वाला 128, अगले वाले से कराओ 8 जा 64, अगले वाले से कराओ 16 दो 32, फिर 32 को इससे कराओ तो आएगा आपका 16, बोलो कोई दिक्कत। तो इसे बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट। तो एक सीक्वेंस बन के तैयार हो गया, या मैं ये बोलूं एक नई जीपी बन के तैयार हो गई है, या तो कोई दिक्कत। तो आपका ए क्या है बॉस, तो ए है आपका 256। अगर मैं आर निकालूंगा तो आर कितना हो जाएगा, ए टू बाय ए वन, इन अदर वर्ड ए टू कितना है मेरा बॉस 128, ए वन कितना है 256, और काटा मैंने तो आया रिजल्ट 1/2, बोलो यहां तक कोई डाउट बस में आ गई। और मैंने कहा इस सीक्वेंस में एन कितना है, तो एक दो तीन चार पांच, तो एन जो हमारा है वो है बॉस 5, तो एन निकल गया, आर निकल गया, ए निकल गया। आपको निकालना है सम यानी एस एन, और एस एन का फॉर्मूला होता है, दो केस होते हैं, एक आर की वैल्यू जब एक से कम होगी एक एक से ज्यादा होगी, तो 1/2 आ रही है, यानी ये तो एक से कम है, हाफ है क्योंकि। तो मैंने कहा फॉर्मूला लग जाएगा बॉस, ए 1 r की पावर n / 1 r, ये जब लगता है जब r की वैल्यू 1 से कम होती है, यस और नो। तो a की वैल्यू कितनी है बॉस आपके पास 256, 1 r है आपका 1/2 पूरे की पावर 5, नीचे आ जाएगा बॉस 1 - 1/2, बताओ यहां तक कोई डाउट। अब मैंने कहा सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो सॉल्व किया तो देखो यहां पर आओ दोस्त, यहां पर मैंने बोला विच इंप्लाइज 256 इंटू में 1 की जगह आ जाएगा बॉस 1, 1 को 5 बार खोलोगे तो आएगा 1, 2 को 5 बार खोलोगे 2 × 2 × 2 × 2 तो आपका आएगा 32, कोई दिक्कत। नीचे 1 में से आधा गया तो आधा बचा, कोई दिक्कत, एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेना। यहां पर मैंने इसके नीचे 1 लगाया और ले लिया एलसीएम, तो आएगा 256 32, ठीक है बॉस, -1/32 एलसीएम ले लिया मैंने यहां पर, कोई दिक्कत। और अगर डिवाइड करने में मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 चला जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, या तो कोई डाउट। 2 से काटा, 2 से इसे मैंने काटा तो कितना आया 16 बारी में, 16 को 16 से काटा तो आता है 256, क्योंकि 16 का वर्गमूल होता है 256, कोई दिक्कत। अब यहां आ जाएगा 16 मल्टीप्लाइड 32 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 31, मल्टीप्लाई करा लो इसको रिजल्ट आ जाएगा 16 × 16 कैरी हो गया 1, 16 × 3 = 48 और 1 = 49, बात समझ में आ गई। तो आपका रिजल्ट आ गया 496, ये इन 5 टर्मों का सम होगा वो इतना होगा। अब बच्चे सोचते हैं ऐसे जोड़ देते हैं डायरेक्ट ऐसे निकल जाएगा, तो बात समझ में आनी चाहिए, ये जीपी की एक्सरसाइज है तो आपको जीपी के फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे, बात समझ में आ गई, फटाफट से इसका फोटो ले लो ओके। और अगला वाला जो क्वेश्चन है वो सेम इसी तरीके से, उसमें आपको खाली कॉमन रेशियो निकालना है, यानी आर तक काम सेम चलेगा ओके।